एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याण आरपीएफ हेडक्वार्टर से, जहां आरपीएफ के एक जवान ने अपने ही सीनियर इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। हत्याकांड की इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। आरोपी आरपीएफ जवान का नाम पंकज यादव बताया जा रहा है, जिसे फिलहाल कल्याण की कोलसेवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी सचिन गुंजाल की यदि माने तो आरोपी आरपीएफ कांस्टेबल पिछले 4 सालों से सैलरी इंक्रीमेंट ना होने से परेशान था, जिसकी वजह वो अपने सीनियर इंस्पेक्टर बसवराज गर्ग को मान रहा था। इसलिए गुस्से में आकर बुधवार रात करीब 8:30 बजे के आसपास उसने आरपीएफ सब इंस्पेक्टर बसवराज गर्ग के सिर पर बाम्बू से हमला कर दिया। ये हमला उस वक्त किया गया जब रात करीब 8:30 बजे के आसपास सब इंस्पेक्टर बसवराज गर्ग कल्याण आरपीएफ बैरक में अपने कानों में ईयरफोन लगाकर गाना सुन रहे थे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पंकज यादव और बसवराज गर्ग दोनों साल 2010 में एक साथ काम करते थे। उस दौरान पंकज यादव की एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बसवराज गर्ग ने की थी, जिसमें सब इंस्पेक्टर बसवराज गर्ग ने पंकज यादव की 4 साल की सैलरी इंक्रीमेंट रोक दी थी। यही कारण था कि पिछले कई सालों से बसवराज गर्ग के खिलाफ पंकज यादव का गुस्सा पनप रहा था। बुधवार की रात पंकज यादव कल्याण पहुंचा और सबसे पहले उसने बसवराज के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की, जिसके बाद पंकज यादव बैरक में पहुंचा और लकड़ी के डंडे से बसवराज गर्ग के सिर पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में गर्ग की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोलसेवाड़ी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पंचनामा के बाद मृतक बसवराज गर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। वहीं दूसरी ओर हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी आरपीएफ कांस्टेबल भागकर रोहा पहुंच गया था। कोलसेवाड़ी पुलिसों ने आखिरकार आरोपी पंकज यादव को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पंकज यादव अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। आरोपी पंकज यादव ने पूछताछ के दौरान कोलसेवाड़ी पुलिस को बताया कि उसकी पोस्टिंग रोहा में है, जो पेंड आरपीएफ थाना के अधीन आता है। डीसीपी गुंजाल के मुताबिक पंकज यादव बॉक्सर भी है। वो इंस्पेक्टर बसवराज गर्ग की हत्या के बाद कुछ और आरपीएफ कर्मियों को पीटना चाहता था, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाया। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। कल रात 11 बजे कल्याण ईस्ट के कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में खबर मिली कि आरपीएफ के पुलिस सब इंस्पेक्टर बसवराज गर्ग, उनकी डेथ हुई है। हमारे क्राइम पीआई गौड़ी और हमारा स्टाफ स्पॉट पे गया, उन्होंने वहाँ पे इंक्वायरी की। इंक्वायरी में ये निष्पन्न हुआ कि पुलिस कांस्टेबल पंकज यादव वहाँ पे 9:45 बजे के आसपास आया था। डिसीज पीएसआई गर्ग और आरोपी पंकज यादव, उनमें झगड़ा हुआ, हत्यापाई हुई और उसमें पंकज यादव ने बाम्बू से उनको मारा, उसमें उनकी डेथ हो गई। सर, किस वजह? इस घटना में जो आरोपी है पंकज यादव और जो मयत है बसवराज गर्ग, वो 2019 में आपके साथ में काम करते थे। पंकज यादव की एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बसवराज गर्ग उन्होंने की थी, उसमें उनको 4 साल की इंक्रीमेंट स्टॉपेज और उनका बेसिक भी कम हुआ था। तब से इनके ऊपर उसका गुस्सा था, वो गुस्सा निकालने का निश्चय उसने किया था। तो वो आज उसने पेन से 3:30 बजे वो निकल के आया, कल्याण में आया और कल्याण में उसने ये काम कर दिया। आरोपी को पूछताछ करने के बाद ये रिवील हुआ है कि उनका डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में इंस्पेक्टर बर्वे, माने और हेड कॉन्स्टेबल घरत भी शामिल थे और उनको भी ये पिटना चाहता था। और इसके बाद वो यहाँ से चिपलूँ की तरफ जा रहा था, वहाँ पे इंस्पेक्टर बर्वे नौकरी में है, वहाँ जाके उनको भी वो पिटने वाला था।